सो टीम जस्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा ताकि बाकी जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, वो सब ज्वाइन कर ले, देन हम अपने सेशन को फर्दर स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें एंड हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो हेलो एवरीवन, क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या आप सबको मेरी ऑडियो प्लस वीडियो क्लियर आ रही है? ओके ओके सो आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की सेशन में मैं अपनी लाइफ पूरी बताने वाला हूँ आप सबको। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम।
मैं क्या पहले था, आज क्या चीज हूँ, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने से पहले कहाँ था, एंड अभी तक मैंने क्या कुछ किया, सारा का सारा आज के सेशन में बताऊंगा। एंड मेरा क्या, आप सबको चीज पता है, ठीक है जी, कि मैंने अभी तक जब से फॉरएवर को ज्वाइन किया है, ठीक है जी, अभी तक मैंने अपनी कभी भी फुल अपनी लाइफ अपनी टेस्टिमनी कभी भी शेयर नहीं की। सो एक दफा जस्ट मुझे गेन क्लियर कर दो, क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जस्ट एक दफा मुझे क्लियर कर दो, क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, सो अगर आपको वॉइस ना क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं जो भी होगा वो क्लियर कर लूंगा। ओके, सो यहाँ पे ना स्टार्ट करते हैं मेरी लाइफ की जर्नी। मैं आपको यहाँ पे, आपको सबसे पहले स्क्रीन पे मेरी पिक्चर शो हो रही होगी, तो ये चीज पहले थी मेरी लाइफ, ऐसी थी, कुछ ऐसी लाइफ थी मेरी। एंड मैं करता गया था, मैं अगर अपने बारे में बताता चलूं, अभी मैं पाकिस्तान में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा बिजनेस बिल्ड करने वाला मैं पर्सन हूं अभी तक, सबसे ज्यादा जो सीसीस करने वाला पर्सन मैं हूं, ठीक है जी। मेरे रिकॉर्ड्स अभी तक पाकिस्तान में किसी ने भी ब्रेक नहीं की, बट उससे पहले मैं क्या चीज थी, मैंने स्टार्ट कैसे किया, आप लोगों को बहुत सी चीजें होंगी जो आप लोगों को पता नहीं होंगी, वो चीजें आपको क्लियर होंगी, आपका फ्यूचर भी क्लियर होगा इस सेशन में। सो ये चीज थी कि पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था, कह सकते हैं, ठीक है जी, एंड ये शक्ल पहले की मेरी थी, ठीक है जी। मैं करता गया था, मैंने सेकंड ईयर किया, स्टडी किया, स्टडी के बाद मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, अपनी लाइफ में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले भी कुछ काम किया, मैंने बड़ी स्ट्रगल लाइफ गुजारी है, ठीक है जी। मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने 3,000 की जॉब की है। आज आपको पता है कि सबसे ज्यादा पेआउट मेरे पेआउट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सका, ठीक है, बट मैंने जब स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, मुझे घर से निकाला गया, मैं घर से बाहर रहा, घर वालों के साइड से सेपरेट रहा, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया तो 3,000 से स्टार्ट किया। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस किसको कट के आ रही है? वॉइस क्या आप सबको क्लियर है? कुछ पर्सन मुझे कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर कुछ क्लियर? सो जिनको कट होके आ रही है उनकी साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू है, कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी पिक्चर है, मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं तो ये मेरी स्कूल टाइम की एक पिक्चर है, जहाँ पे मैं मैट्रिक टाइम की पिक्चर है, जहाँ पे मैट्रिक में प्रैक्टिकल्स कर रहा था, ये तब की मेरी पिक्चर है, जहाँ पे प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर पिक्चर बनाई थी, ये तब की पिक्चर है। तो ये वो वाला नशा जो आज आपको पाकिस्तान का ओनली फर्स्ट एंड ओनली वन स्वारिंग मैनेजर जो नजर आता है, ठीक है जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का फर्स्ट मेल स्वारिंग मैनेजर हूँ और अभी तक का एक ही स्वारिंग मैनेजर हूँ, बट ये वो स्वारिंग मैनेजर पहले ऐसा था कुछ, ठीक है जी। ये मेरी पिक्चर, उसके बाद कॉलेज लाइफ की है, इस पर्सन के साथ भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये नेक्स्ट पिक्चर भी मेरी कॉलेज टाइम की है, जहां पे आपको सब शो हो रहे हैं, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, सारी स्क्रीन स्टक हो रही है। जस्ट
सो कि अब आपको स्लाइड शो हो रही होंगी। अब चेक करो काइंडली, स्लाइड शो हो रही है अब आप सबको। ओके सो यहाँ पे जो आपको पिक्चर शो हो रही है, आप स्लाइड शो हो रही है, ये उस टाइम की है मेरी लाइफ। वहां से लाइफ स्टार्ट करना है, मेरे स्कूल टाइम से। सो मैट्रिक टाइम की मेरी पिक्चर है जहां मैं प्रैक्टिकल्स दे रहा था, ठीक है। प्रैक्टिकल्स टाइम की पिक्चर है। यार नॉर्मली जैसे आप लोगों की लाइफ है वैसे नॉर्मली मेरी भी एक लाइफ थी। आप लोगों ने भी स्टडी, क्योंकि आप भी इस लाइफ से गुजरे होगे या गुजर रहे होगे, ठीक है। तो ये वो लाइफ है। मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि यार आप जिस लाइफ को गुजार चुके, वो लाइफ मैंने भी गुजारी, एंड आज जिस पॉइंट पे मैं हूँ वो कैसे पहुंचा, वो भी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है जी। सो ये प्रैक्टिकल लाइफ है। उसके बाद मैंने मूव किया अपने कॉलेज लाइफ में। मैं कॉलेज लाइफ में आया, कॉलेज की ये मेरी पिक्चर है उस टाइम की। मैं कॉलेज टाइम में मैं ऐसा था कुछ, ठीक है जी। कॉलेज टाइम की ये पिक्चर है। अब ओके, उसके बाद मैंने लाइफ में क्या किया, एक मैंने क्या किया कि मैंने स्टडी लीव कर दी, ठीक है जी। ये बहुत कम में भी लोगों को पता हो, मैंने जस्ट सेकेंड ईयर की है, स्टडी मैंने लीव की। स्टडी लीव करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी स्ट्रगल की, थोड़ी सी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। कोई भी पर्सन ऐसे अपनी लाइफ तक यहाँ तक नहीं पहुंचता, ठीक है जी। आप लोग भी अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल करोगे, मैंने भी एक टाइम पर की। सेकेंड ईयर की मैंने अपने पेरेंट्स को कहा जी मैंने बिजनेस करना है अपनी लाइफ में। पेरेंट्स ने कहा नहीं बेटा जी पढ़ोगे वरना क्या होगा कि हम आपको आपको घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे। मतलब बहुत से पॉइंट्स आ जाते। मेन जो पॉइंट था कि यार आप हम लोग पढ़े, आपके बहन भाई पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे, ठीक है। आप खानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है जी। आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सी चीजें सुन। अब मेरा क्या था माइंडसेट, स्टार्ट से था बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट बनने का रीजन क्या था, रीजन ये था कि भाई मैंने क्या करता था, मैं शुरू बचपन में ना ड्रामा देखता था, मूवीज देखता था। तो वहां पे ना दो पॉइंट्स मैं पहले भी अपने सेशन में क्लियर कर चुका हूँ, आप लोगों को, आप लोग भी नोट करना। ड्रामास मूवीज में ना कुछ लोग पुअर होते हैं, कुछ लोग रिच होते हैं। तो जो रिच होते हैं वो क्या कर रहे थे, वो जॉब कर रहे थे भाई, ऑफिस में जा रहे हैं, बॉस हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं कहता था यार ऐसी वाली लाइफ हो ना, मतलब गाड़ी अपनी हो, बॉस मैं बॉस हूँ, ठीक है जी। मेरे पास जो है लोग हो, अंडर लोग काम करें, एम्प्लॉयज हो मेरे, ठीक है जी। मैं बिजनेसमैन हूँ, रिच होना चाहिए। जॉब वाली साइड पे मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपने फादर को देख सकता था, मैं अपनी सोसाइटी में आसपास के लोगों को देख सकता था कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे घर वालों ने कहा जी बेटा आप जो है हमारी साइड से हो, फारिक सीधी सी बात है, आपने अगर नहीं करना तो आप जाओ। मेरे फादर आर्मी में है, फादर की पोस्टिंग हो गई लाहौर में, हम रहते थे। फादर की पोस्टिंग हुई जी लोरा लाई, बलोचिस्तान वाली साइड पे। अब बलोचिस्तान चले गए, उन्होंने कहा आपने पढ़ना नहीं पढ़ना। मैंने कहा जी नहीं पढ़ना, मैंने कहा जी नहीं पढ़ना, मैं बिजनेस करना चाहता। उन्होंने कहा ठीक है हम तो जा रहे हैं लोरा लाई। मेरी पूरी फैमिली लोरा लाई मूव करके, मुझे कहा आप लाहौर में रहो, खुद कमाओ बेटा, खुद खाओ, तुम्हें पता चले। तो मैंने कहा ओके जी ठीक है। मैं भी जिद्दी था जी, नहीं जी ठीक है आप लोग जाएं, मैं बिजनेस करूंगा सारी चीजें। अब मेरा माइंडसेट था कि यार कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसे है कि यार कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट करता हूँ, पैसा कमाऊंगा, इकट्ठा करूंगा 10-15 साल, उसके बाद अपना कुछ ना कुछ बिजनेस करूंगा। अब क्या हुआ कि मुझे किसी ने बोला बेटा आप कपड़े का काम कर लो, कपड़े का काम करो, ये वो, वहां पे आपको बहुत बेनिफिट है ये वो। तो मैंने कहा चले ओके जी, मैं चला गया जी। लाहौर में शादरा मार्केट है, शादरा बाजार है, शादरा आप लोगों ने सुना होगा। शादरा चला गया जी। मैंने कहा जी हाँ जी, शॉप वालों से पूछना कि क्या आप लोगों को हेल्पर की नीड है। क्या नहीं हमें नहीं नीड, जिससे पूछता। एक तो बड़े शर्मा के मैं पूछता था, क्योंकि वो वाली लाइफ पहले ऐसे काम किए नहीं, क्योंकि कैंट में हमेशा रहे हैं, तो बड़ी डिफरेंट लाइफ थी सिविल लाइफ से। अगर कोई आर्मी पर्सन का तो उसको पता होगा कि यार कैंट वालों की लाइफ कैसी होती है, बाहर कैसी लाइफ होती है, तो बड़ी डिफिकल्ट। तो मैं देखता था यार दुकान में कोई बंदा है अंदर, तो वो जब चला जाता था कोई कस्टमर, तो तब जाके मैं बड़े आराम से उससे पूछता था कि साथ वाला भी ना सुने कि क्या आपके पास जॉब अवेलेबल है, मैं क्या आपके पास काम कर सकता हूँ। तो सबकी साइड से नो नो का मुझे आंसर मिलता था। एंड किसी ने पूछा भी, किसी ने यस कहा, तो उसका पहला क्वेश्चन था आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने कभी कुछ किया है। मैंने कहा जी नहीं, मैंने तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हो। कहते नहीं हमारे पास नहीं है, तो मुझे नो मिली। तो मैंने कहा अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ वहां से वापस, तो मैं एग्जैक्ट आपको जगह बता सकता हूँ, फिरोज वाला जगह का नाम है। वहां पे एक यूटिलिटी स्टोर है, ठीक है, जैसे बाजार में एंटर हो, दो तीन दुकानें छोड़ के। वहां पे एक पोस्टर लगा था कि जी
हेल्पर की नीड है, चाहिए मेल हेल्पर की नीड है। वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर है। चलो, तो मैंने कहा हेल्पर की नीड है। अब मैं अंदर गया, मैंने क्या ना, मैं बोला कि आपने वो बाहर पोस्टर लगाया है तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है, मैं मुझे मिल सकती है। उन्होंने कहा जी आप क्या करते हो, मैंने कहा जी मैं इधर रहता हूँ ऐसे ऐसे। कहते जी ठीक है, चलो आप ऐसा करो कल से आ जाना, 3,000 आपकी सैलरी की, सुबह आई रिमेम्बर स्टिल के सुबह आपने आना है जी, 9 बजे आना है, रात को आपको 10 बजे आप जाओगे। मैंने कहा ओके ठीक है कल से आ जाना। मैंने कहा नहीं अभी से मैं ज्वाइन करता हूँ। उनका ठीक है बेटा बैठ जाओ फिर, अब कस्टमर आए बेटा जाओ उसके साथ हेल्प करो, ये करो वो करो, मतलब ये चीज उधर रखो इधर करो, ये साफ सूफ कर दो, दालें शाले पड़ी, ये यूटिलिटी स्टोर में जो सामान पड़ा था वो चीजें मैं काम किया। मैंने एक दिन एक मंथ मैंने किया एंड 3,000 मेरी सैलरी थी, मेरे घर वाले नहीं थे एंड कुछ भी नहीं था। 3,000 में आप खुद सोचोगे यार मेरा क्या बनने वाला था, कुछ भी नहीं बनने वाला था। मैंने वहां से, मुझे फिर एक दोस्त ने बोला कि यार वहां पे जो है कपड़े वाले काम है, आप गारमेंट्स की शॉप है वहां पे चले जाओ। तो ये जो पिक्चर आपको शो रही है एक गारमेंट्स की शॉप की पिक्चर है, जहां पे ये ऑनर का बेटा है, साथ मैं बैठा हूँ, पीछे आपको जो शॉपर से नजर आ रही है ये वो है जो कह लो कि इसमें ना वो शर्ट्स पड़ी है, हाई नेक्स पड़ी है, इस तरह की चीजें पड़ी है। ठीक है, तो मैंने ये ज्वाइन कर ली। ज्वाइन मैंने कहा कि जी मुझे काम की नीड है, कपड़े का काम सीखना, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर में एज अ हेल्पर मैं रहता हूँ तो मैं ना एक्सपीरियंस ले सकता ना मैन करके कोई बिजनेस कर सकता। तो कपड़े का काम करने का, गारमेंट्स की शॉप पे जाने का रीजन ये था कि यार मैं यहाँ से एक्सपीरियंस लूंगा, उसके बाद मैं अपनी कर लूंगा, शॉप बना लूंगा, बिजनेस करूंगा, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस करता रहूंगा। थोड़ा सा ना माइंड सेट मैंने ना थोड़ा दिमाग कह रहा कि बड़ा ही चलाया कि यार ऐसे ऐसे कमाऊंगा, एक्सपीरियंस लूंगा, देन जाके कर लूंगा। मुझे वहां जी उन्होंने कहा जी बेटा 4,000 आपको सैलरी देंगे, मैं बड़ा खुश, 3,000 से 4,000 में देंगे मुझे मंथली। मैंने कहा ओके जी ज्वाइन करूंगा मैं, क्या ठीक है आ जाना। मैंने कहा ओके, अब मैंने उसको ज्वाइन किया। मैंने 4 मंथ्स वहां पे लगाए एंड 4 मंथ्स पे मैंने हर मंथ 4,000 की सैलरी ली वहां से। एंड वहां मैं सुबह जाता था 9 बजे, सेम टाइमिंग 9 से 9 to 10 थी, 9 बजे जाता था, 10 बजे मैं वापस आता था। अब सुबह मैं 9 बजे जाता था, 10 बजे वापस आता था, 10 बजे मैं वापस आता था। यार मैं रिक्शे जो आप लोग देखते हो नॉर्मली 20-30 रुपए किराए लेते हैं, आगे आधे बंदे बैठते हैं आधे पीछे, तो उसमें मैं ट्रैवल करता था, मेरे पास कोई गाड़ी शाड़ी नहीं होती थी या बाइक नहीं होता था अपना। तो वहां से जो है मैं उस पर ट्रैवल करके आता था। रोड पे जी एक ढाबा टाइप था, बाहर उन्होंने चारपाइयां बिछा देते थे, दाल चाल और ये चीजें देते थे। तो आई स्वेयर मुझे याद है कि मेरा वो टाइम, मैं उतरता था रिक्शे से, सबसे पहले मैं होटल जाता था वो जो बना हुआ था, वहां जाके मैं 2 रोटियां, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 रोटियां एंड एक मैं दाल चना लेता था हमेशा, क्योंकि वो मुझे सस्ती मिलती थी, 70 रुपीज की, और 6 रुपए की रोटी होती थी, एक रोटी 6 रुपए की एंड 70 रुपए की मुझे एक दाल चना की प्लेट मिलती थी, मुझे आज भी एग्जैक्ट याद है। एंड मैं एक रोटी उस टाइम खाता था एंड एक रोटी मैं फोल्ड करके एंड दाल पैक करवा के शॉपर में मैं घर लेके जाता था। ठीक है जी, और वो घर कौन सा होता था अगेन बताता हूँ। वहां मैंने स्टार्ट में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, थोड़ा बहुत घर बना हुआ था, कुछ रूम बना हुआ था। एंड जब मैं सुबह उठता था ना शॉप पे जाने के लिए, तो सबसे पहले मैं वो जो दाल बची थी वो और वो सूखी रोटी खाता था, तो वो खा के देन मैं जाता था। फिर रात को आता था, सेम मैं 2 रोटियां ऑर्डर करता था, एक दाल चना की प्लेट। कोई लाइफ में कोई और डिश नहीं थी कि भाई ये आज ट्राई कर लेते हैं, ये टेस्ट कर लेते हैं, ये टेस्ट कर लेते हैं, कि यो चीज में सस्ती मिलती है। चिकन होता है ना, उनके पास चिकन भी होता था, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं चिकन पूछूं, एंड कि मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैंने उनसे पूछा हो एक दफा भी कि चिकन कितने का है। ठीक है, एक सिंगल चीज भी मैंने आज तक, मुझे याद है कि मैंने नहीं पूछी ना, मुझे आइडिया कि यार कितने का मिलता होगा, कितने की प्लेट है। मैंने एक चीज पूछी, उन्होंने कहा दाल चना 70, मैंने कहा जी यही दे, मैं वही खाता था। ठीक, उसके बाद मेरी लाइफ की जर्नी बड़ी टफ रही, बहुत मुश्किल से, मतलब मैं रहता था एंड 4,000 मुझे मिलता था। एंड अक्सर ऐसा भी होता था, ये बात मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की, अक्सर ऐसा होता था कि जो मेरे शॉप वाले अंकल थे वो कहते थे बेटा ये जो पुराने कपड़े ना इनको आप शोल्डर पे रखो, एंड ये बाजार में, गुंडाला नाम है बाजार का, आज भी बता सकता हूँ, वहां पे आज भी मैं जाऊंगा तो मुझे पता क्या, अगर वहां पुरानी दुकान वाले मुझे पहचानेंगे, वहां जाके मैं शोल्डर पे हैंगर्स पे लगा के बच्चों के कपड़े पुराने 100-100, 200-200 की आवाजें लगा लगा के बेचता था मैं। एंड बड़े टफ था, इतने ज्यादा होते थे, क्योंकि ये लाइफ मैंने कभी भी नहीं गुजारी थी,
कभी भी नहीं गुजारी थी मैंने ये लाइफ। एंड मैं वो बेचता था एंड अंकल कहते थे एक सूट बेचोगे बेटा 10 रुपए दूंगा, 100 रुपए के बेच कहो अगर एक भी बिका तो 10 रुपए एक सूट ही होंगे। तो मैं नो नहीं कर सकता था, मैं नहीं चाहता था ये काम करना, क्योंकि मेरे लिए वो बड़ी शर्म की बात थी कि यार लोगों के बीच में आवाजें लगाऊं, ठीक है जी, तो मेरे लिए बड़े शर्म की बात। बट अगर मैं अंकल को नो बोलता तो अंकल नाराज हो जाते ऑनर, मे भी मुझे जॉब से फारिग कर देते, मे भी मैं जो मैं रोटी एक आधी खाता था वो भी मुझे ना मिलती। ये चीज मैंने आज तक नहीं शेयर की, मैं आज जाके चीज शेयर कर रहा हूँ, मेरे एक दो दोस्तों को ये चीज पता है, उन ऑनर को पता होगी, या वो वहां पे मेरे साथ आज भी कोई पसंद चल जाए मैं वहां जाऊंगा तो मेरे दुकान वाले पहचाने के बेटा तू यहाँ पे आवाजें लगाता था, तो क्योंकि दुआ सलाम हो जाती है वहां पे जाके। तो वहां जाके मैंने वो काम किया, बड़ा टफ था भाई, उठा के पूरा दिन घूमना ये वो, ठीक है जी। वो काम करते करते एट द एंड मेरा एक चीज में इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट किस में था, मेरा इंटरेस्ट था जी कंटेनर्स पे जाना, ट्रॉलों पे जाना, ट्राले जिनको कहते हैं 22 व्हीलर, ठीक है जी, उस पे जाने का मेरा शौक था। अब इंटरेस्ट क्यों था, एक्चुअल इंटरेस्ट ये था क्योंकि मेरे ना फादर के दूर के कजन्स हैं, वो ना ये काम करते हैं, बड़े दूर के हैं, वो अक्सर एक दो दफा गांव आए तो वो बताते थे कि जी हमारे इतने इतने कंटेनर्स हैं, इतने ट्राले हैं, हमें एक कंटेनर से जी 1-1.5 लाख बचता है। तो मैं उस टाइम शॉक्ड होता था कि यार 1-1.5 लाख, मतलब पूरी जिंदगी सेट है 1-1.5 लाख से, तो मतलब मैं 4 लाख में अगर रोटी खा रहा हूँ अपना गुजारा करूँ तो इनका तो 1-1.5 लाख खत्म ही नहीं होता था पूरी लाइफ में, महीनों महीनों पड़ा रहता होगा, इतनी सेविंग्स करते हैं इसलिए इनके पास गाड़ी होंगी ये वो। फिर बाद में पता चला भाई 1-1.5 लाख नहीं पूरा आता। मैंने बड़ा अपने फैमिली को फोर्स किया, ऐसे मैंने अपनी फैमिली को फोर्स किया, मेरी फैमिली कभी भी इसके बहुत अगेंस्ट थी कि ये काम करोगे उनके साथ तो बेटा खानदान में हमारी बदनामी है, वो क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे ना फादर पूरे खानदान में मेरे फादर पढ़े हैं, अगर उन्होंने हम जितने भी हम बहन भाई उनको पढ़ाया है, बाकी सारे जो है कोई भी नहीं पढ़ा, स्टिल नहीं पढ़ता, खैर हमारे खानदान में भी अकड़ ऐसी है, अकड़ टाइप है, जो भी है जहालत है कह लो, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ। तो क्या कि यार हमारे लिए जो है ना ये शर्मिंदगी की बात है, मेरे ऊपर बातें होंगी कि तेरा बेटा ये करता है जी, मेरे फादर ने कहा, मैंने चाचू की मिनते की, चाचू ने कहा नहीं भाई नहीं। मैंने बहुत फोर्स किया फोर्स किया फोर्स किया, एट द एंड मान गए, माने तो मैंने फौरन कराची मूव किया, माने नहीं बट वो कहते ठीक है करो, बट लास्ट टाइम जब मैं जाने भी लगा था ना मैंने ऐसे बैग अपना पहना हुआ था, तो उन्होंने उस टाइम भी अपू ने कॉल करके आया था ना जा, मैंने कहा नहीं मैंने जाना है, एंड मैं वहां से मूव कर गया, मैंने ज्वाइन किया इसको। ज्वाइन करने का रीजन वहां गया जी, 7,000 आपकी सैलरी, एंड मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि यार 7,000 मेरी सैलरी थी, डायरेक्ट 4,000 से 7,000। मैंने कहा ओके जी ज्वाइन, पहले दिन गया जी, आए कैसे हैं ठीक है, पंजाबी में खैर वो बात करते हैं वहां के लोग, हेलो हाय हुई जी, बड़े अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया, शाम हो गई जी, खाना खिलाया, चिकन मंगवाया उन्होंने जी, चिकन कढ़ाई खिलाई, बड़ा अच्छा। नेक्स्ट डे बेटा आपने ये जैसी गाड़ी रुकेगी आपने पहले मैट साफ करने, फिर आपने फ्रंट स्क्रीन डब्बे शब्बा करना, फिर नेक्स्ट ब्रेक लगेगी आपने पीछे से मशीन साफ करने, फिर आपने वो टायर साफ करने, मतलब ऐसे ऐसे, क्योंकि एज अ हेल्पर मैं था वहां पे। मैंने कहा ओके जी ठीक है। एंड ये वाली लाइफ मेरी खैर कुछ ज्यादा ही स्ट्रगलिंग थी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, सोने का कोई सो नहीं सकता था, कोई रेस्ट नहीं थी कि यार मैं रूम में जा सकूं, मेरी एक गाड़ी के अंदर लाइफ थी, एक गाड़ी है ना उसके अंदर मेरी लाइफ थी, उस गाड़ी के अंदर मैंने लाइफ गुजारनी थी जी, जैसे मैं बैठा हूँ उस साइड पे ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर बैठा है। तो मैंने कहा जी ओके, वेल मैंने साफ करना स्टार्ट की गाड़ी, वेल मैंने उनकी बातें सुनना स्टार्ट की, मैंने ड्राइविंग सीखना स्टार्ट की, मैंने कहा यार ये 7,000 जमा करूंगा आने वाले 15 सालों बाद में, जमा करते करते मे भी मैं ड्राइवर बन जाऊंगा, मेरी सैलरी 15,000 हो जाएगी एंड मैं अपनी गाड़ी ले लूंगा, इस तरह करके अपने या मैं पार्टनरशिप करके भी साथ करूंगा, ऐसे मतलब माइंडसेट स्टार्ट से क्या था, बिजनेस माइंडसेट था। मैंने खैर उसको स्टार्ट किया, ज्वाइन किया एंड वो लाइफ में मैं ऐसा ऐसा था कि यार सम टाइम क्या होता था, जब आपने खाने का टाइम होता था क्या होता था, जो दो ड्राइवर्स और एक हेल्पर मैं था, अब वो दो ड्राइवर्स जैसे ही ब्रेक लगाते थे ठीक है खाने के टाइम या चाय के टाइम, तो वो जाके ऑर्डर करके खाना खाना स्टार्ट कर देते। मेरा काम ये होता था कि भाई मैंने जल्दी जल्दी फ्रंट जो गाड़ी का होता है, फ्रंट मतलब आपको नहीं समझ आएगी मे बी, फ्रंट जो बॉक्स होता है पूरा जिसके अंदर ड्राइवर बैठता है, पीछे सोने की जगह होती, वो आपने पूरा क्लीन करना है, तब आपने आना भाग, तो वो अगर खाना खा लेते हैं तो भाई वो वापस आ जाएंगे, चल पड़ेंगे क्योंकि रुकना नहीं है, आप जल्दी जल्दी साफ कर दो। तो समटाइम ऐसा होता था कि यार मैं जल्दी जल्दी साफ करता था
एंड मैं हैंड वॉश करके पहुंचता, वो खा चुके थे, कहते चलो। तो समटाइम खाना नसीब नहीं होता था मुझे। जब हमें ऑर्डर्स देने होते थे तो यार हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते थे, या हमें लोडिंग करवानी होती थी तो हमें डेफिनेटली बड़े बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो बाहर आप बैठो फैक्ट्रीज के बाहर, हम रोड पे कभी समटाइम कंटेनर्स के नीचे सो जाते थे। समटाइम्स क्या होता था, गाड़ी खराब होती, पंचर होती, तो बारिश होती, बड़ी ठंड लगती थी। बारिश में आपने टायर चेंज करने, आपने सफाई करनी है, कराची से वापसी पे ऑयल चेंज करने का जिसने काम किया, तो बड़ी ठंड में आपको ऑयल चेंज करना है आधी रात को, एंड दिन को आप 2-3 घंटे बस सो सकते थे। तो यार मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग थी। मतलब मैं और घर वाले जब मुझे कॉल करते थे ना, तो मैं कहता था नहीं बहुत अच्छी है, मजे हैं, सुकून में, आप गाड़ी में होते हो, इधर उधर जाना नहीं पड़ता, आप गाड़ी में ही तो होते हो। मतलब मैं घर वालों को ये बोलता था। आज तक मेरे घर वाले पूछे तो मैंने उनको ये नहीं बोला, अपने पेरेंट्स के सामने उफ नहीं की कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल है, अबूजी मुझे वापस बुला लो या मैंने पढ़ना है। एक चीज थी, जिद थी कि भाई करना है तो करना है। बट वो लाइफ मेरी बहुत टफ थी। आज अगर आपको मैं अपनी गाड़ियों में नजर आ रहा हूँ तो यार कल मैं फुटपाथ पे सोने वाला बंदा हूँ, कल तक मैं फुटपाथ पे सोया हूँ। आज जो आपको रोड पे जब मुझे कंटेनर नजर आते हैं ना, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को बोलता हूँ यार ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे चलाते हैं, ऐसे होता है, ये चीज इसको ये कहते हैं। तो मैं आज उनको ही बता सकता हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं वहां गया हूँ, ये प्रूव्स है, आपके सामने मैं बैठा हूँ, आपको पता है फैंसी फैंसी उन्होंने रेडी शेडी कराया। तो लाइफ मेरी बड़ी टफ थी। यहाँ पे देखो यार ये दो ड्राइवर्स हैं, मैं हूँ, आप लोग देख सकते हो यार मेरी उस टाइम पे गैदरिंग किस टाइप के लोगों के साथ थी, उस टाइम में किस तरह के लोगों के साथ होता था। आप उनको देख लो, मुझे देख लो, डिफरेंस आपको नजर आएगा। खैर तब की शक्ल मेरी भी ऐसी थी। फर्दर खैर ये वो गाड़ी थी जिसको मैं साफ करता था, जिसके मैं टायर साफ करता था, एंड जिसको पूरे को मैं साफ करता था, ठीक है जी। बहुत टफ था यार, बहुत टफ था। नीचे सोना पड़ता था, इसके फुटपाथ पे सोना पड़ता था, टायर फट जाता था, पंचर हो जाता था, जो भी होता था, अक्सर पंचर हो जाता था क्योंकि केयर नहीं की जाती इन चीजों की। बहुत पुरानी पुरानी चीजें यूज करते हैं ये लोग। तो बारिश इतनी सख्त होती थी कि बारिश लग रही है बट आपने टायर चेंज करना है, बारिश में खड़े हो, आप भीगे हुए हो, ठीक है, ठंड लग रही है। आज मैं कहता हूं मैं मर के गीजर के बगैर गर्म पानी के नहाऊंगा, ठीक है जी। ये देख सकते हो आप वहां पे, वो देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है जी। ये मेरी उस टाइम की पिक्चर है, ये ड्राइवर है, उनके साथ मैंने पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ना आपको मैं ये क्यों अटैच करूं ताकि आपको लगे कि यार जस्ट पिक्चर्स नहीं है। अब यहाँ देखो बाहु गुड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कंटेनर सर्विसेज, ठीक है, पूरा एड्रेस प्रॉपर लिखा है। अब ड्राइवर नेम पे अगर आप फोकस करो तो लिखा है अनस, मेरा नेम प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। कहाँ से कहाँ जाना है, सारी चीजें एवरीथिंग हमारा ये होता है, जिनको नॉलेज होगा उनको पता चल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये चीजें मतलब मेरे नाम की है, ये डॉक्यूमेंट मैंने क्लियर करना है, वहां से ऑर्डर पकड़ना है, सारी चीजें करना है। बहुत बहुत टफ लाइफ थी, बहुत लिटरली टफ थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो प्ले करता हूँ। ये वीडियो है, यहाँ पे मैं कराची में PICT कहते हैं, PICT में मैं खड़ा हूँ, टर्मिनल है, ठीक है, कंटेनर्स का, जहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के होते हैं वहां पे मैं खड़ा हूँ। वीडियो प्ले हो जाती है, आप देखना, जरा छुप के बना था क्योंकि अलाउ नहीं थी वहां पे ये चीज। ये वो जगह है जहाँ पे PICT, जहाँ पे कंट्रीज उतरते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, ठीक है जी। PICT था एक, PICT था, ठीक है जी, जो टर्मिनल था जहाँ पे कंट्रीज उतरते हैं, देन फिर जाते हैं, वो जगह जहाँ पे हम लोग अंदर आते थे, ठीक है जी। यहाँ से जो है, अब यहाँ पे मैं कंटेनर मैंने क्योंकि चलाना भी सीखा, तो ये वो वाले है जहाँ पे मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, मैं खुद चला रहा हूँ, ठीक है, वीडियो देख सकते हो आप। Thank you.
यार ये वो वाली वीडियोज हैं जहां पे मैं खुद चला रहा हूँ, मतलब आप लोगों को मे भी लगेगा यार वैसे एक दो दिन तो मैंने खुद चलाया इवन, ठीक है ये आपके सामने है चलाते हुए की वीडियो है ये वाली मेरी। यहाँ पे आपको मैं एक और वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है ये देखो रोड है चल रहा है प्रॉपर स्टीयरिंग की आइडिया हो रहा है, ठीक है ये ड्राइवर है साइड से, एक साइड से चादर पड़ी है देखो, ठंड है कंबल बीच में पड़ा है, माल्टे कूलर हर एक चीज, मतलब हमारी एक लाइफ ना इसके अंदर थी, एंड टोटली लाइफ इसके अंदर हमने गुजारनी थी अपनी पूरी लाइफ। देन मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, प्लेटफॉर्म कैसे मिला, मैंने एक मैसेज किया कि मेरे पास 1 लाख है, कोई बता सकता है कि 1 लाख कौन से बिजनेस हो सकता है, 1 लाख से कौन सा बिजनेस हो सकता है। एंड यहां से एक मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई, एक मेरी न्यू लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई। हुआ ये कि यार मैं बिजनेस की वीडियोस भी देखता था, अब मुझे याद नहीं अच्छे से कौन सा ये बिजनेसमैन था जो बिजनेस के आइडियाज दे रहा था, उसने मतलब आइडियाज दिए हुए थे कासिम अली शाह थे, मैं भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सही से क्योंकि मैंने अभी पहचाना उनको, उससे पहले मुझे नहीं पता था वो कौन है आई थिंक। तो वहां पे मैंने कमेंट किया क्योंकि कि मैंने कहा ये 7-7 हज़ार जमा करता हूँ, वो पहले वाले भी पड़े हैं, मैं सेविंग्स बहुत करता था, सेविंग्स मेरी शुरू से आदत है यार पैसा बचाना है, ना पेरेंट्स के कभी भी नहीं मैं लगवाता था। खैर 1 लाख नहीं था बट ये था कि माइंड में पहले से चीज सेट थी। मैंने कमेंट किया यूट्यूब पे एक वीडियो के नीचे, देन मुझे किसी ने टेक्स्ट किया जी आप मुझे मैसेज ड्रॉप करो, मैंने मैसेज ड्रॉप किया, मुझे कॉल आई थी कि हाय दिस साइड दिस 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 एंड हमारा बिजनेस है, आपको मैं मेरी पूरी फैमिली सिखाएगी ये वो सारा उसने बताया। मैंने कॉल एंड की, मैंने कहा यार ये पागल तो नहीं है, मतलब कह रहा है कि फैमिली सिखाएगी, इसकी फैमिली मुझे बिजनेस क्यों करवाएगी, तो जो चीज़ मेरे उस टाइम माइंड में मैं वो बता रहा हूँ। तो फिर उसने फॉलो अप लिया प्रॉपर, मैंने बात सुनी सच, फिर मैं घर आ गया, कुछ इशूज की वजह से मुझे घर आना पड़ा, फैमिली इशूज थे कुछ उसके वजह से मुझे घर आना पड़ा, मैं घर आया अगेन उन्होंने फॉलो अप लिया जी, मैंने कहा ओके। मिस्टर मानिक अग्रवाल जो कि मेरे सीनियर हैं ठीक है जी, उनकी उन्होंने मुझे वीडियो शेयर की एक रिकॉर्डिंग की, ये आप देखिए, मैंने ओके जी प्ले की, रिकॉर्डिंग थी मैंने प्ले की एंड मैंने कहा कि जी प्ले की, तो वो कह रहे दिस साइड मानिक अग्रवाल एंड मेरी लाइफ ये, अब वो ना मैंने आगे की तो कह रहे जी ऐसे हम बिजनेस कर सकते हैं ये वो, मतलब बिजनेस की कुछ बात की। अब मैंने कहा यार ये 57 मिनट्स की वीडियो है, अब ये कौन देखे, मैंने स्किप कर दी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैंने स्किप कर दी बंद कर दी। नेक्स्ट डे फिर मेरे मुझे पूछा गया जी आपने वीडियो कंप्लीट देखी, मैंने कहा यस देखी है, कहते जी क्या आपको समझ में, अब देखी होती तो मैं बताता, मैंने कहा जी वो मोटिवेशन बिजनेस की बात करते सबसे अच्छी चीज है, अब समझ ही आई थी कि बिजनेस की बात करें, फिर अगेन उन्होंने फॉलो अप किया, अब इश्यूज के से मैं वापस आ गया, मैंने कहा यार मैं घर में फ्री हूँ चलो बिजनेस नॉलेज लेता हूँ क्योंकि बिजनेस तो करना ही करना है, स्टार्ट में डेफिनेटली आपको पता है कोई भी चीज़ है स्टार्ट में एकदम समझ में नहीं आती, तो मैंने सेशन लेने स्टार्ट किए एंड सेशन लेने स्टार्ट किए, सेशन में समझ आना स्टार्ट की, मैंने अपने दो एक मेरे साइड पे आपको नजर आ रहा है कि पंजाब जिसपे लिखे ये सैफ सर है मैनेजर है इस टाइम मेरी डाउनलाइन में, इनको मैंने इन्वाइट किया, एक साइड पे अस्नान सर इनके साथ मैंने शेयर किया बिजनेस ठीक है जी, जो कि एक सीनियर मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ एक मैनेजर है मेरे साथ, सेशंस लेना स्टार्ट किए इंडियन सेशंस, इंडियंस दे रहे सेशंस मैं भी साथ दे रहा हूँ ठीक है जी, इंडियंस लोग हैं यहाँ पे जो है मेरे क्रॉसलाइन है जो वो सेशंस दे रहे हैं, आज ये क्रॉसलाइन भी मेरा मैनेजर है उसामा अहमद जो नीचे नजर आ रहा होगा ठीक है जी, वेलकम हुआ मेरा ग्रुप में, वेलकम होने के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, मैंने अपना 2 CC लेवल रन किया, 2 CC में मुझे बहुत इश्यूज आए, कुछ पैसे थे कुछ पेरेंट्स को मना 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 के एट द एंड मैंने कहा प्लीज मुझे एक चांस दे मुझे करना है करना है करना है, घर वालों ने तंग आके पैसे दिए मुझे कुछ दिए ठीक है जी, कुछ पैसे कुछ मैंने खुद से किए, मतलब उस टाइम पे मैंने 76,000 मैंने अपना 2 CC किया एंड 2 CC करने के बाद जो है मैंने मेरा ये कॉम्बो पैक नहीं था सॉरी कस्टमाइज थे ये प्रोडक्ट्स, मेरी कॉम्बो पैक तब हमारी ऑफर नहीं थी हमारे पास, ये प्रोडक्ट का बॉक्स था जो ही मैं जब मेरा ऑर्डर डल गया एंड बॉक्स की मुझे पिक्चर शेयर की गई एंड यहाँ पे आप देखो वहाँ पे आपको नेम शो होगा प्रॉपर मोहम्मद अनस, मेरी ID शो हो रही है जो ही फॉर एवरिंग प्रोडक्ट्स प्रॉपर लिखा हुआ है, ये मेरे उस टाइम जो मैंने 2 CC का तो उस प्रोडक्ट्स का बॉक्स है मेरा उस टाइम का,
ठीक है जी, सारी डिटेल्स उस पे शेयर है। मैंने फर्स्ट मंथ के कुछ डेज में ही मैंने अपना 14 cc का बिजनेस डायरेक्ट में डन किया। ठीक है जी, 14 cc का मैंने, सॉरी डायरेक्ट में नहीं कहता, और टोटल मैंने कहता, डायरेक्ट में मेरा ऑलमोस्ट 10 cc था। ठीक है जी, मैंने 14 cc का बिजनेस किया कुछ टाइम में ही, मंथ नहीं लगा। एंड इसी तरह क्या हुआ कि 28 डेज के अंदर अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर लिया। पाकिस्तान में जब ये चीज स्टार्ट की थी ना यार, पाकिस्तान में कोई भी पर्सन नहीं था कि मैं किसी को देख सकता कि यार इसने सीबी किया है या ये सुपरवाइजर है हमारे। कोई लिटरली एक सिंगल पर्सन भी नहीं था। एक सिंगल पर्सन कहते हैं ना कि यार मैं पाकिस्तानी किसी को देखता, यार उसने एएस किया, वो मैनेजर बन गया, मैनेजर दूर के बाद असिस्टेंट मैनेजर दूर के बाद सुपरवाइजर भी नहीं मुझे नजर आता था, कोई भी नहीं था पाकिस्तान में। आज से 2.5 साल पहले की ये बात है, मैंने अपना 28 डेज के अंदर सुपरवाइजर किया क्वालिफाई, एंड एक रिकॉर्ड मैंने बना दिया। मेरे सीनियर्स इंडिया से थे, वहां पे मेरा एक रिकॉर्ड बन गया, उनके सामने भी गया, इस पर्सन ने पाकिस्तान से 28 डेज के अंदर अपना लेवल अचीव किया। बड़ा वो प्राउड मोमेंट था, सब सीनियर्स की साइड से मुझे अप्रिशिएट किया गया। एंड क्योंकि मैंने बोला ना कि यार जब आप मेहनत करते हो, एंड मेरा स्टार्ट से माइंडसेट है जब आप मेहनत करते हो ना आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ्स के बाद ही मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, मुझे सबने कॉन्ग्रेट्स किया, एंड मुझे इस चीज का बड़ा वेट होता था। क्वालिफाई की यार 120 cc पे मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता, जो कि मैंने अपने मैनेजर लेवल 253 cc पे मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, रिकॉर्ड बना दिया। अगेन इतने सीसीज में किसी ने भी मैनेजर लेवल क्वालिफाई नहीं किया था। सबको वॉइस आ रही है ना, सबको वॉइस ठीक हो गया सही थिंग। सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हुई से मुझे, मेरा लीक हो गया, मेरी साइड से लेफ्ट हो रहा था। क्या अब आप सबको वॉइस आ रही, क्या अब आप सबको मेरी वॉइस आ रही है एंड स्क्रीन शो हो रही है क्या? काइंडली एक दफा क्लियर बताइएगा। ओके सो वेल, कहाँ तक? होप सो सुपरवाइजर तक सुन ली मेरी बात आपने, सुपरवाइजर तक सुन ली थी मेरी बात। सो सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया मैंने, रिकॉर्ड बना दिया जी, 28 डेज के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। सुपरवाइजर के बाद मैंने अपना एएम किया, मैनेजर लेवल किया, 253 cc पे मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, जो कि 120 cc पे मैनेजर लेवल क्वालिफाई था। मैंने 120 cc पे मैनेजर होता, मैंने 253 cc पे किया, जो कि उस टाइम पे किसी ने भी अभी तक नहीं किया था। अगेन मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया, मेरे सीनियर्स मुझसे बहुत हैप्पी, सब सीनियर्स हैप्पी, मेरी पूरी टीम हैप्पी, सबने मेंशन किया। मतलब एक पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना दें, लोगों को पता चला कि यार बिजनेस हो सकता है, बिजनेस बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। तो ये भी मेरा उस टाइम मेरा बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने एक रिकॉर्ड बनाया। सेम वेरी नेक्स्ट मंथ जब मेरा मैनेजर निकला, तो वेरी नेक्स्ट मंथ मैंने अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान का मैं फर्स्ट सीनियर मैनेजर लेवल था, फर्स्ट सीनियर मैनेजर था।
वॉइस आ रही है? वॉइस काइंडली वॉइस बताइएगा, कुछ पर्सन कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। मेरे मैनेजर के बाद वेरी नेक्स्ट मंथ अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया एंड पाकिस्तान का मैं फर्स्ट सॉरी सीनियर मैनेजर था। फर्स्ट सीनियर मैनेजर मैंने लेवल क्वालिफाई किया अपने ग्रुप में, हमारे सीनियर मैनेजर क्वालिफाई हुए BLEDS 2023 में एंड पहला सॉरी सीनियर मैनेजर मैं था। सीनियर मैनेजर के बाद ठीक मैंने नेक्स्ट मंथ एक और अचीवमेंट कर दी। कार पेन होता है, कार पेन इंसेंटिव होता है फॉरएवर टू ड्राइव, एक होता है लेवल 1, एक होता है लेवल 2, एक होता है लेवल 3। बिल्कुल मैंने डायरेक्ट लेवल 3 क्वालिफाई किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि डायरेक्ट आप लेवल 3 क्वालिफाई करो एंड सब लोगों को मैंने शॉक कर दिया। फिर आप लोगों को भी शॉक होना चाहिए क्योंकि अभी तक ये चीज किसी ने नहीं की कि मैनेजर सीनियर मैनेजर डायरेक्ट कार में लेवल 3 आप क्वालिफाई कर लो। फॉरएवर टू ड्राइव की ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट हुई, लेवल 3 मेरा क्वालिफाई, जिसके साथ मेरी इनकम के साथ साथ मुझे सेपरेटली $800 मुझे आज तक मिलते हैं लेवल 3 के, जो कि 3 ईयर्स तक मुझे मिलने थे। अभी तक मेरा वो टाइम पीरियड चल रहा है 2024 के, मुझे मिड तक ऑलमोस्ट मिलेंगे मिलेंगे। उसके बाद मेरे लिए मैंने एक चीज कभी सोची नहीं थी कि यार एक टॉप 10 की लिस्ट भी होती है एंड एक टॉप 10 की लिस्ट में मेरा नाम आएगा कभी एंड डायरेक्ट टॉप 10 टॉप 3 में मैं आ जाऊंगा, तो एक चीज मैंने सोची नहीं थी। और ये हुआ कैसे कि मुझे एक दिन अचानक कस्टमर सर्विस का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि हाय मिस्टर मोहम्मद अनस, ठीक है जी, FLP ID दिस दिस दिस, सो आप टॉप 10 में आ चुके हो, आपकी पोस्ट के लिए हमें आपकी पिक्चर चाहिए। सो मैं बड़ा शॉक हुआ, मैंने अपने 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 सीनियर्स को शेयर की, सर ये देखें ये मैसेज आया। वो भी बड़े हैप्पी होने का, यार आप ना टॉप 10 में आ गए हो एंड आपकी ना पिक्चर लगेगी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, यार कब पिक्चर लगी कब पिक्चर लगी, मैं फुल एक्साइटेड था एंड मुझे मैसेज आया था। ये चीज मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा, वो भी कुछ मंथ्स में। तो लिस्ट आई फाइनली एंड लिस्ट जब आई एंड मैंने देखा टॉप 10 होल मिडल ईस्ट में, सीसीज में मैं टॉप 3 में था, टॉप 3 में मेरा नेम आया एंड वो मैंने भाग के अपने पेरेंट्स को बताया। मैंने कहा देखें जी मैं टॉप 3 में आ गया हूँ एंड मेरे फादर बहुत हैप्पी, मेरी अम्मी, मेरे फादर, मेरी मदर बहुत हैप्पी, मेरे बहुत हैप्पी है। मतलब मैं हमेशा अपनी लाइफ में उनको खुश करना चाहता था एंड मैं अपनी पूरी लाइफ उनको ही खुश करना चाहता हूँ। मैं आज भी कहूँ तो यार मैं अपने लिए नहीं, मैं चाहता हूँ मुझसे ज्यादा उनकी लाइफ अच्छी हो, उनको याद हो गया हमारा ये एक बेटा है जिसने हमारी लाइफ चेंज की। बल्कि आज भी बड़े प्राउड से पूरे खानदान वालों को बताते हैं। तो टॉप 10 की दुबई की लिस्ट में जी मैं टॉप 2 में रहा, टॉप 2 में, एंड इनकम में मेरा टॉप 7 पे नाम आ गया। इनकम मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, अपना अकाउंट दिखाऊंगा ओपन करके, आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जी नेक्स्ट मंथ मेरा सॉरिंग मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया एंड फर्स्ट मेल सॉरिंग मैनेजर मैं पाकिस्तान का बन गया एंड अभी तक का उस टाइम से अभी तक एक ही सॉरिंग मैनेजर हूँ और वो मैम। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस टाइम पे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये अचीवमेंट भी दे दी, मैंने सॉरिंग मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई कर लिया। मेरे जितने भी सीनियर्स थे, इवन वो मेरे अपलाइन मेरे इंडियन सीनियर, सीनियर्स के नेम लेता हूँ, आप लोग जानते होंगे, AS स्पेशली जानते होंगे, विशाल सर, माधव सर, मानिक अग्रवाल, पर लक्ष्मी मैम, प्रदीप सर, अनमोल सर, अजहर सर, सब लोग, मानिक सर, इवन सब लोग सीनियर मैनेजर थे एंड मैं सॉरिंग मैनेजर अपना लेवल निकाल के उस टाइम बैठ गया था। मैंने सबसे पहले सॉरिंग मैनेजर अपने सीनियर्स में भी निकाला, ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है। उसके बाद जो है मानिक सर फिर बन गए, अभी मैं और मानिक सर चल रहे हैं, बाकी सीनियर्स में सब लोग सीनियर मैनेजर तक ही हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वेरी नेक्स्ट मंथ अगेन टॉप 10 की लिस्ट आई एंड टॉप 10 की लिस्ट आई, टॉप 10 की लिस्ट में सर शेयर की गई एंड मैंने डाउनलोड की पिक्चर एंड मैं शॉक्ड हो गया, मैं टॉप 1 पे हूँ। सबको भाग भाग के बताया, सबके साथ शेयर की, मैंने कहा यार अच्छा सा कैप्शन देकर ग्रुप्स में शेयर करो। तो मैंने डायमंड सफायर मैनेजर्स सब लोग जितने भी मुझसे ऊपर लेवल से सब लोगों को बीट करके फाइनली उस लिस्ट में मेरा नाम टॉप 1 पे आ गया। टॉप 1 पे मैं आ गया एंड वो दिन भी मैं नहीं भूल सकता कि मैंने अगेन फादर को बताया एंड मेरे पेरेंट्स कितने खुश हुए थे मुझे पता है यार, क्योंकि वो चीज मैंने देखी थी, वो मैंने रियलाइज की
एंड टॉप वन की लिस्ट में मैं अगेन आ गया। ये चीजें मैंने कभी सोची नहीं थी कि यार मैं टॉप वन पे रहूंगा पाकिस्तान से उठ के, पाकिस्तान को छोड़ के, बल्कि दुबई को, यूएई को छोड़ के, बल्कि मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज आते सबको बीट करके मैं टॉप वन पे आ गया। इनकम रही बात इनकम की, तो जो इनकम थी इनकम में मैं टॉप फोर पे आया, मतलब कि आज भी वो इनकम, आज भी ये टॉप फोर वाली इनकम का रिकॉर्ड कोई भी पाकिस्तान में पर्सन नहीं ब्रेक कर सका मेरा ये रिकॉर्ड। उसके बाद मेरी हुई नेक्स्ट अचीवमेंट ग्लोबल डेली। ग्लोबल डेली मैंने अचीव की 2.5K, 1500 सीसीज मैंने की। ठीक कुछ टाइम बाद मैंने 2.5K मतलब के 2500 प्लस वाली मैंने अचीव की, जो कि टोटल मेरे 2833 सीसी, मतलब कि 2833 सीसीज मैंने की। आप लोग 2 सीसी नहीं कर पाते ना यार, आप 2 सीसीज कर पा रहे हो यार, मैनेजर के लिए 120 सीसी के लिए घबरा रहे हो। मैंने 2833 सीसी का बजट दिया उस साल एंड मेरी ग्लोबल रैली अचीव हुई एंड स्टिल मैं 2.5 के क्वालिफायर हूँ अभी तक का पाकिस्तान का। वेरी नेक्स्ट मंथ एक हमारी कंपनी का सबसे बड़ा बोनस होता है जिसको कहते हैं चेयरमैन बोनस। मैंने अपना चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, जो कि चेयरमैन बोनस अभी आपके सामने है। ये मैं यूएई में मैंने लिया था, मेरे साथ मेरा चेक पड़ा हुआ है एंड एक साइड पे मैं हूँ। मैंने प्रॉपर अपने सॉरी मैनेजर की सैश पहनी हुई है, बड़े प्राउड से मैं, बड़े प्राउडली मैं बताता था वहां पे सबको कि आई एम सॉरी मैनेजर। मैं बड़ा सब में ना ग्लोबल रैली में एक बात बताऊं, मैं सबसे छोटा था। उसके बाद मैंने ग्लोबल रैली जाने से पहले मैंने अपने फादर को गिफ्ट की थी एक चीज। मेरे फादर को एक चीज बड़ी पसंद थी कि सिविक गाड़ी, मुझे भी लिटरली पसंद थी एंड मेरे फादर को भी बहुत पसंद थी कि जी हमारे पास सिविक गाड़ी होनी चाहिए। मैंने इनकम, मैंने पैसे साइड पे किए, इनकम अच्छी खासी थी, कार फाइनेंस से ही पैसे आते। मैंने क्या सोचा, मैं लाहौर में था, फादर मेरे उस टाइम गुजरांवाला पोस्टिंग हो गई थी, फैमिली सारी गुजरांवाला थे, मैं लाहौर आया। मैंने फ्रेंड्स को कहा, मैनेजर्स को अपने बोला कि यार मैंने सिविक परचेज करनी है, चलो आओ सर्च करते हैं। फाइनली हमने सिविक वगैरह सर्च की, सर्च करने के बाद हमने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट निकालने के बाद मैंने एक सिविक ली। जैसे ही मैंने सिविक ली मैं फौरन से गया गुजरांवाला, गुजरांवाला जाके मैंने अपने घर के बाहर जाके लगा दी, मैंने सिविक खड़ी की। सो मैंने सिविक खड़ी की एंड मैंने ना फादर को अपने अबू को कॉल की, मैंने कॉल की एंड कहते हैं हाँ जी क्या चले। मैंने कहा जरा बाहर आ जा यार। अब मेरे फादर जब बाहर आए ना, तो बाहर आए उन्होंने देखा मैंने चाबी पकड़ी है एंड मैं मेरे फेस पे स्माइल है। तो ना मुझे याद है कि यार ऊपर वाले फोर्थ पे अभी वीडियो आता हूँ, वो ना वहीं से उनकी स्माइल मैंने फेस पे देख ली, उनको अब समझ लग गई कि यार ये मेरा बेटा गाड़ी लेके आ गया। तो एंड उस टाइम पे उन्होंने मुझे हग भी किया था, आई थिंक मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम हग था जो कि मुझे याद होगा। तो वीडियो मैंने देखो अभी बुलाया है, लेट्स सी अब वो आएंगे। ये गाड़ी की गाड़ी यार। और है रे अबू। एंड ये रही गाड़ी। वीडियो वीडियो नहीं प्ले हो रही, आप लोगों को वीडियो नजर आ रही है? तो मैंने अभी बुलाया है, मैंने अभी ट्राई किया कि यार वीडियो चल रही है, अब स्टक होगी अब थोड़ी वो थोड़ी, बट आएंगे। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो। ये है गाड़ी। और है रे अबू। एंड ये रही गाड़ी। सरप्राइज दिया बिल्कुल। हाँ
हेलो मुबारक ही मुबारक ही खैर मारे इयन हाँ जी, वो सेंसर ऑटोमेटिक है। आप जरा थोड़ा सा मैं गाइड करके अब जरा एक ड्राइव दिलवाता हूँ। ओके जी, फाइनली मैंने अपने फादर को गिफ्ट की है गाड़ी, दी है गाड़ी, आपको दिखा है वीडियो। सो यहाँ पे ये मैंने गाड़ी अपने फादर को गिफ्ट की एंड मेरे फादर ने मुझे इस टाइम कुछ चीज याद भी याद हमारे को तो मेरे का मेरी सबसे पहला चलती गई प्रोडक्ट्स थे मेरे साथ जितने भी वॉइस इशू है अब वॉइस क्लियर आ रही है। ओके सो बैठे था मेरा खैर देन मैंने ये मेरे साथ ना मैंने लगा ना कुछ मेरे बिजनेस पार्टनर्स खड़े हैं ये तब किया जब फर्स्ट टाइम मैंने ना अपनी प्रोडक्ट्स पकड़ी थी ठीक है जी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे ना दो पीछे मेरे बैक साइड पे एक ब्लू शर्ट में एक पर्सन है जिसका नाम सैफ है एंड साथ अच्छाम है, अच्छाम मुनीर एंड सैफ रहमान। अच्छाम सर सीनियर मैनेजर लेवल पे इस टाइम वर्क करें उस टाइम पे ये जबकि पिक्चर है एएस थे असिस्टेंट सुपरवाइजर 2CC रिसेंटली गया। मेरे साथ जो दूसरे पर्सन है मेरे दोस्त भी है स्कूल में भी मेरे साथ मैट्रिक एंड ये मैनेजर लेवल पे वर्क करें अनसक्सेसफुल है ये दोनों पर्सन आज सक्सेसफुल हैं जिन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था मैं अकेला सक्सेसफुल नहीं उस टाइम पे। ये मेरी वो लाइफ थी हम तीन फ्रेंड्स थे कॉलेज टाइम के वहां पे मैं बैठा हूँ पुरानी पिक्चर है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले येलो शर्ट में एक दोस्त है मेरा अब्दुल रहमान सेंटर में अरसलान फराज है जो कि सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं मेरी डायरेक्ट में है मेरा फ्रेंड है कॉलेज में मेरा फ्रेंड बना शायद उस साइड पे मैं हूँ एंड अगर मैं बात करूँ ना हम तीनों की तो यार हम तीनों में से ना मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपने दो दोस्तों से शेयर किया था दो दोस्तों में से ना अरसलान ने बिजनेस स्टार्ट एंड अरसलान ने स्टार्ट किया एंड आज वो सीनियर मैनेजर है एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी इनकम उसकी है एंड दूसरा जो दोस्त है ना उसने यार उस टाइम पे स्टार्ट नहीं किया उसने कहा आपका ब्रेन वॉश हो रहा है आपको पागल बनाया जा रहा है आप पागल बन रहे हो ऐसे नहीं होता ये नहीं होता वो नहीं होता हंसा था एंड उसके बाद ये पर्सन हम सक्सेसफुल गए एंड उसके बाद इस पर्सन जहां पे था ना वहीं पे है। मुझे कोई वो नहीं है कि यार मैं बड़े क्यों बता रहा हूँ अगर वो मेरे सामने बैठा तो मैं उसको आज भी कहता हूँ यार तूने उस टाइम नहीं स्टार्ट किया आज तू बहुत पीछे हमसे आज तू बहुत पीछे है शायद तू भी सक्सेसफुल होता। खैर हम मुझे दुख भी होता है मुझे नुकसान हम दोनों को दुख होता है कि यार काश ये भी हमारे साथ स्टार्ट करता उस टाइम पे
या आज भी हम कहें तो बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे क्या यार, मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास मंथ में 5,000 भी उसके जेब में होंगे, ठीक है जी, उसके 5,000 भी नहीं होंगे, अभी वो ना काम है तो डिफरेंस है कुछ, कि यार आप लाइफ में डिसीजन लेते हो तो कहाँ पहुंचते हो और नहीं लेते तो कहाँ होते हो। मैं और अरसान बैठे हैं जी, चावल चावल खा रहे हैं, बहुत बिजनेस की पहले की है पिक्चर, एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों दोस्त सक्सेसफुल हैं। ये देख सकते हो ग्लोबल डेली पे मैं हूँ, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी अरसलान, मैं इसको लेके गया था, मेरे साथ एक पार्टनर जा सकता था, हम दोनों का लाइफस्टाइल और इस मेरे दोस्त का लाइफस्टाइल जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक वो बेचारा बाइक पे हम गए स्पेंड, बिकॉज क्या कि यार हमारा उसके पीछे एक डिसीजन था, मैंने स्टार्ट किया, मेरा डिसीजन था, मैंने अरसलान से स्टार्ट किया, अरसलान को शेयर किया, अरसलान ने भी एक डिसीजन बनाया, दैट्स व्हाई हम दोनों आज यहाँ पे हैं। हम दोनों ने दुबई में अच्छी लाइफ शेयर, 170+ कंट्रीज का सामने हम दोनों दोस्तों ने पाकिस्तान का लेके गए, रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को सबके सामने, हमने पूरे पाकिस्तान में आज जितने भी लोग करते हैं वो देखते हैं, तो यार हमने उस टाइम पे एक डिसीजन लिया था। लाइफ मेरी चेंज हुई, पहले की पिक्चर्स में डिफरेंस, अभी की पिक्चर्स में आप डिफरेंस देख सकते हो कि यार पहले कैसा था अब कैसा हूँ। यूएई में मैं गया, मैंने अच्छी खासी ग्लोबल ले ली जो कि कंपनी ने दी, मुझे इसी कंपनी ने एंजॉय करवाया, ठीक है जी, मुझे पैसा भी अच्छा दिया, मुझे ट्रैवल हर एक चीज इस कंपनी ने दी, मेरी टोटली लाइफ चेंज कर दी इस कंपनी ने। आप पहले वाली मेरी मुझे देख सकते हो, अभी वाले में आपको प्रॉपर एक डिफरेंस नजर आएगा कि यार मैं पहले क्या था और आज क्या हूँ, और बना कहाँ से हूँ। एक प्लेटफॉर्म है जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो को आपके साथ भी शेयर किया गया, बहुत से लोगों ने 2CC किया हुआ है, बहुत से लोग पेंडिंग पर हैं, आप डिपेंड करते हैं कि यार जो पेंडिंग पर है वो कब 2CC अपना करते हैं, एंड 2CC वाले कब मेहनत करके सीनियर्स को फॉलो करके कहाँ तक पहुंचते हैं। आप लोगों के सामने आप सबका फ्यूचर है इस टाइम, आप सबको मैं अभी ना एक पिक्चर और दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो डिफरेंस एक दफा देखो, ये पिक्चर ही मैंने शेयर की, आज मैं स्लाइड पे देख रहा हूँ, ये जो एक साइड पे पिक्चर है ना यार, ये मेरी अभी की जब मैं सक्सेसफुल बना, ये जो दूसरी साइड की पिक्चर ना, ये तब की है जब मैं बहुत गरीब, कह लो गरीब टाइम मेरा था, जब मेरे पास खत करवाने के, दाढ़ी ठीक करवाने के पैसे तक नहीं होते थे, समझ रहे हो, ये वो टाइम है जब मेरे पास दाढ़ी ठीक कराने के पैसे नहीं होते थे, और ये वो टाइम है जब मुझे इस प्लेटफॉर्म ने सक्सेसफुल बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कुछ है, सब कुछ इस एज में, मेरा नहीं ख्याल कि यार किसी के पास इतना कुछ होता है। आज जिन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे टीम में जितने लोग थे, मेरा फ्रेंड हो अनोन हो, उन सबकी लाइफ बिल्कुल चेंज है, टोटली अपोजिट है। ये तो सिर्फ आप मुझे देख रहे हो, अगर आप मेरी टीम को भी देखोगे तो सेम उनकी लाइफ टोटली चेंज है। आगे आप लोग अगर बिजनेस कर रहे हो तो यार अच्छे से मेहनत करो, आप भी सेम जो है ना सेम प्लेस पे आ सकते हो, हमसे कहीं ऊपर जा सकते हो। मैंने अपने लेवल अपने सीनियर से बहुत जल्दी निकाली, मेरे सीनियर ऑलरेडी मैनेजर थे, मैं सुपरवाइजर था, वो सीनियर मैनेजर थे, मैं AS था, मैं AS असिस्टेंट सुपरवाइजर, एंड मेरे सीनियर सीनियर मैनेजर थे, बट मैंने उनसे पहले सोनिंग मैनेजर निकाल के दिखाया। तो मैं हर किसी को कहता हूँ यार आप लोग हमसे बहुत आगे जा सकते हो, अब तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी एक बिजनेस है, ठीक है जी। प्रोजेक्ट मुझे मिला, कभी सोचा नहीं था कि यार CBP क्वालिफाई करेंगे, कंपनी के चेयरमैन के साथ भी मिलेंगे, ग्रेग मॉन के साथ भी मिलेंगे, एंड मिस्टर ग्रेग मॉन के साथ में मिला, उसने मुझे चेक पकड़ाया, उसने मुझे कॉन्ग्रेट्स बोला, मैंने उसको हग किया, मैंने सलाम सलाम किया प्रॉपर, मतलब हाथ मिलाया, ठीक है। तो ये पीक का है आपको 17,802 डॉलर्स, जो कि चेक 35 लाख मुझे उस टाइम रिसीव हुए, 35 लाख का ये चेक मुझे एक्स्ट्रा मिला मेरी इनकम से हट के। बहुत से लोग ढेरों, हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, आप लोगों के पेरेंट्स, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होंगे या वो उनके रिलेटिव्स, पूरे साल में मेरा नहीं ख्याल कि यार वो 5-6 साल में इतना कमाते हैं, ये पूरी लाइफ में इतना कमाते होंगे, जो कि मैंने एक साल में जस्ट गिफ्ट लिया, ठीक है जी। यहाँ पे आपको वीडियो दिखाता हूँ, सबके सामने 160+ कंट्रीज से लोग आए थे, जिनके सामने मैंने बड़े जरा तो पाकिस्तान।
यहाँ पे देखो यार, मैंने वहां पे जाके ना बड़े अपनी अचीवमेंट शेयर की। मैंने बोला, मुझसे जब पूछा जाता था कि यार तुम छोटे से यहाँ पे क्या घूम रहे हो भाई ग्लोबल रैली पे, सब मुझसे पूछते थे कि मैं यहाँ पे ग्लोबल रैली में सबसे छोटा था, एज में भी, हाइट में भी, हर चीज में छोटा सा, सब भी दिखता भी प्रॉपर छोटा था। पूरे ग्लोबल रैली में 160+ लोगों में मैं छोटा था सबसे। तो मुझे सब पूछते थे तो मैं बोलता था यस आई एम सॉरी मैनेजर, एंड मैंने 2.5 की ग्लोबल रैली की, भी बहुत बड़ी बात होती है, एंड ऑल्सो मैंने चेयरमैन बोनस भी मैं क्वालिफाई करके आज ग्लोबल रैली में आया हूँ। तो सब शॉक्ड होते थे, बहुत से लोग, बहुत से सीनियर, बहुत से अदर कंट्रीज लोगों ने मेरा इंटरव्यू प्रॉपर लिया, उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की, मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक की, एज अपनी टीम्स को दिखाई, उन्होंने मुझे प्रॉपर इंस्टाग्राम पे बाद में मेंशन भी किया, तो सब लोग वहां पे मेरे साथ पिक्चर क्लिक। क्या किया, मैंने रिसेंटली एक सेकेंड कार परचेज की, GLI परचेज की। मेरे फादर ने कहा जी एक और गाड़ी लेते हैं, मैंने कहा ठीक है जी कौन सी लेने का, टोयोटा की लेते हैं। मैंने कहा गया, मैं अगले दिन ही मैंने जाके GLI गाड़ी ले ली, फादर को कहा जी ये ले आप, ये चलाएं, अब मुझे सर आपसे विक देने। ये GLI मैंने रिसेंटली परचेज की, दो गाड़ियों का मैं इस टाइम ऑनर हूँ, फॉरएवर ने मुझे बनाया, जहाँ पे 4,000 3,000 4,000 ट्रक के टायर साफ करने वाला बंदा आज गाड़ियों में घूमता। ठीक है, ये वो गाड़ी है, दूसरी सिविक जो मैंने सिर्फ सिल्वर कलर की थी, जिसको मैंने रैप कराया प्रॉपर, इसको मैंने मॉडिफाई करवाया, आज जिस गाड़ी को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइफ मैंने अपनी कैसे चेंज की आपके सामने, मेरी किस प्लेटफॉर्म ने लाइफ चेंज की आपके सामने, मैंने बिजनेस को उस टाइम समझा था आपके सामने। बाकी मैं फर्दर अभी ना आप लोगों को दिखाता हूँ, वॉइस आ रही है, मैं पेउस प्रॉपर दिखाने वाला हूँ, पेउस आपको स्क्रीन शेयर करके, अपनी आईडी ओपन करके, कैलकुलेटर्स अपने ऑन कर लेना। ठीक है जी, कैलकुलेटर्स अपने ऑन कर लो, क्योंकि मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ अपने प्याउट्स, एंड मैं चाहता हूँ कि आप खुद उस चीज को प्लस प्लस करके देखो कि यार कितना मैंने अर्न किया है, मेरे कितने कितने प्याउट्स थे। फॉरएवर इन प्रोडक्ट से लाइव दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना हो, किसी किस्म का डाउट ना आप में रह जाए कि यार ये पतंग रियल है या फेक है, या वैसे है, या वैसे फेंक रहा है, वैसे गाड़ी ले ली, लीज पे लगी। मैंने जो भी गाड़ी ली है, जो भी आज तक चीज ली, मैंने मैंने उस पे नहीं ली, लीज पे नहीं ली, या मैंने उस पे जो है मैंने कैश पे ली है। ठीक है जी, बाकी मैं 1 मिनट स्क्रीन अपने मोबाइल कनेक्ट कर लूं, उसकी स्क्रीन शेयर करके आपके साथ करता हूँ।
सो मैं आपको मोबाइल की अपनी स्क्रीन शेयर करके वेबसाइट पे जाऊंगा आपके सामने, एंड वहां से आपको ना दिखाऊंगा कि यार मैंने क्या अर्न किया है। कैलकुलेटर्स अपने ओपन कर लो जरा, ठीक है, एंड कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। एंड मैं चैट एवरीवन करूंगा जब मैं वहां पे जाऊंगा, देन आप लोगों ने जब कैलकुलेशन कर लो एवरीवन करूंगा, तो वहां पे आपने बताना कि यार कितना मैंने अर्न किया है, ठीक है जी, कितना अर्न किया, आप सबसे मुझे आंसर चाहिए। ओके, आंसर दोगे? आंसर दोगे ना? ओके वेल, सो हम अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे अब। स्क्रीन किस किस को शो हो रही है मेरी? स्क्रीन क्लियर शो हो रही है सबको? ओके जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। कैलकुलेटर्स ऑन है? पे जाऊंगा डायरेक्टली क्रो से, ठीक है जी, फॉर एवरीन प्रोडक्ट्स की है। स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन ओके जी, वॉइस आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके जी, चलो वेबसाइट पे हम जाते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट जो है थोड़ा लेट हो रहे हैं। हाँ
यहाँ पे मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर रहा हूँ। ओके, ये मेरी FLP ID नंबर है एंड पासवर्ड है। सो लॉग इन करते हैं हम अपने अकाउंट को। ओके वेल, सो यहाँ पे ये मेरा अकाउंट है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए डेट से थोड़ा स्लो है। बाकी ये है कि आप अपनी साइड से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीज मैं फर्स्ट टाइम लाइव दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरी टीम ने भी नहीं देखी हुई थी ठीक है इससे पहले कभी। सॉरी मैनेजर, लेवल आपको शो हो रहा होगा। मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके मैं अपने चेक्स में जाऊंगा, अपने पेआउट्स आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? इंटरनेट देखो डिस्टर्ब कर रहा है, बट देखो मैं रिलैक्स हूँ, आप लोग तो भी रिलैक्स रहो। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, आप लोगों को भी नहीं आना चाहिए कि यार ये इतना लेट क्यों हो रहा है ठीक है जी। बाकी इंटरनेट हमें थोड़ा सा तंग कर रहा है, बट हमें क्या है कि इंटरनेट को थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। बाकी एक सेकेंड मुझे दे, मैं जस्ट क्या कर लूँ, एक चैट को कनेक्ट कर लूँ। मुझे चैट शो नहीं हो रही, मुझे जस्ट एक सेकेंड। वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है। ओके वेल, सो हम जल्दी से अब अपने पेयर शो करेंगे ठीक है जी। थोड़ा इश्यू हो रहा था उसको, होप सो कि आपने भी किया होगा, मैंने भी इग्नोर किया। एक साइड पे हम करते हैं ठीक है जी। एंड चलो देखते हैं, अब हम अपनी अपनी अर्निंग्स में जाते हैं। अर्निंग्स शो हो रही होंगी आप सबको मेरी। यहाँ पे अर्निंग्स में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपनी अर्निंग। मैं लास्ट ईयर की आपको अर्निंग्स दिखा देता हूँ, 21 की आपको अर्निंग्स दिखा देता हूँ, जब मैंने मैनेजर लेवल एंड हर एक चीज क्वालिफाई करना स्टार्ट की थी, अपने लेवल्स क्वालिफाई करना स्टार्ट किए थे ठीक है जी। उस टाइम की मैं आपको अपनी अर्निंग्स दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ओके जी, सो स्टार्ट करें सब। सो फर्स्ट मंथ ठीक है जी, ऊपर ईयर लिखा हुआ है, ए आर यू ए कंट्री है,
ओनली यूएई कंट्री की मैं आपको पेयर्स दिखाने वाला हूँ। सो अर्निंग फर्स्ट के नीचे है जी 5499, 5499 दिरहम। ओके कैलकुलेट प्लस करते जाओ, कैलकुलेटर ऑन कर लो, कैलकुलेटर ऑन कर लो। मेरी उस मंथ की 5499 दिरहम की मेरी उस टाइम की दिरहम की इनकम थी, ठीक है जी। कैलकुलेट कर रहे हो, यस टाइप करते जाओ, कैलकुलेटर लाजमी ओपन कर लो, दूसरा मोबाइल पकड़ लो या कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी करके कैलकुलेटर लाजमी कर लो ओपन जब मैं कैलकुलेशन करवा दूं। एवरीवन कर दूं सबकी चैट, चैट एवरीवन है। अब आप एवरीवन पे फर्स्ट मंथ 5499, सेकेंड मंथ 3576 दिरहम, ओके जी। नेक्स्ट मंथ थर्ड मंथ मेरा जो था उसमें थी जी 8727 दिरहम, 8727 दिरहम थर्ड मंथ थी। फोर्थ मंथ मेरी जो इनकम थी वो थी 20468 दिरहम, ठीक है जी। फोर्थ मंथ मेरी 20468 दिरहम की थी। नेक्स्ट मंथ फिफ्थ मंथ मेरी इनकम दिरहम में थी 44967 दिरहम, 44967 दिरहम मेरी इनकम थी। नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम थी 31543 दिरहम, उससे नेक्स्ट मंथ थी 32844 दिरहम, 8 मंथ आके 27564 दिरहम। नाइन्थ मंथ मेरी इनकम थी 37264 दिरहम, नेक्स्ट मंथ मेरी थी 26923 दिरहम, 11th मंथ थी मेरी 17672 दिरहम, एंड लास्ट 12th मंथ दिसंबर में मेरी जो इनकम थी वो थी 20748 दिरहम, 20748 दिरहम। टोटल कितना हुआ भाई, टोटल 16, हाँ जी कितना हुआ टोटल बताओ चैट बॉक्स में, टोटल मल्टीप्लाई बाय 63। अब इसको टोटल को मल्टीप्लाई बाय 63 कर दो, 277795। गलत आपने किया, जिस जो गलत लिख रहा है एग्जैक्ट सुन लो, 277795 मतलब कि 277795, 277795 वाले सही बोल रहे हैं। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई बाय 63, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस के साथ हम चलेंगे, पाकिस्तानी रुपीस कितने बने, मल्टीप्लाई बाय 63 करो कितने बन गए, 1,75,75,1,085 मतलब के 1,75,00,000 कितनी बनी इनकम, 1,75,00,000 1,75,00,000 जस्ट 1 ईयर की है, जस्ट 1 ईयर की दिखाई है मैंने, तो समझ में आया क्या चीज है, समझे के क्या देख लिया आपने, ये जस्ट 1 मंथ की आपके सामने लाइव मैंने आपको दिखाई, ठीक है जी। 1,75,00,000 जस्ट 1 मंथ की, जब मेरे लेवल्स निकले। नेक्स्ट मंथ 2022 गुजरा, वो मंथ भी रहता है, 2021 में मैंने स्टार्ट किया तो उसके पैसे रहते हैं, ठीक है जी। ये जो लास्ट मंथ जो 1 साल की दिखाई है, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया, 1.5 साल की कभी इनकम बताई नहीं मैंने, तो यार यहाँ पे हम ना क्लोज करते हैं, जस्ट पावर को समझो कि कितने आपने, कितना मैंने, कितना अर्न किया, आप कितना अर्न कर सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो। ये सेशन बहुत स्पेशल था, मेरा इंस्टाग्राम देखो, मेरे ना मुझे ना मेंशन वहां पे चाहिए, मुझे रिव्यूज चाहिए, चाहे अपनी वीडियो बना के भेजो अपने अपलाइंस को, एंड मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे रिव्यूज चाहिए आप सबके, कि पावर समझ में आई। अब भी अगर आप नहीं लेते डिसीजन, या यस अगर आज भी अपनी मेहनत नहीं करता, तो भाई आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, ऑलरेडी आप लाइफ में बहुत पीछे हो, लाइफ में आगे जाना चाहते हो तो आगे जाओ। बाकी मैं लास्ट में मैं अपना इंस्टाग्राम वेट मेंशन कर लो यहाँ पे, इंस्टाग्राम पहले देख लो, चैट चैट में पहले प्राइवेट कर लेता हूँ।
ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सबको नहीं गया, रुको होल्ड ऑन। एवरीवन नहीं, मैंने एवरीवन नहीं सेंड कर दिया। ओके जी, स्क्रीनशॉट ले लो आई एम मोहम्मद अनस का। आई एम मोहम्मद अनस कर लो सिलेक्ट। इंस्टाग्राम अपने अपलाइन से भी आप ले सकते हो। ओके जी, सो हो गया। इंस्टाग्राम आपके साथ शेयर आप कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लाजमी मुझे जाके फॉलो कर लो। मैं आपके साथ वहां पे बहुत सारा डाटा शेयर करूंगा, ठीक है? बहुत सी चीजें आपको मेरा लाइफस्टाइल शो होगा तो मैं चाहते हो तो आपको भी ये चीजें फॉलो करनी होगी। ओके जी, तो ओके सो किया। मैं ना लास्ट में एक दो चीजें, एक ना आपके साथ शॉर्ट में दो दो मिनट का ना एक्सपीरियंस करूंगा अपने मैनेजर्स का। ये तो आपने मेरी स्टोरी सुन ली, अब ना मैनेजर्स का ना मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ। अभी एक मैनेजर जो है असलान सर की, जिनकी मैं बात करता हूँ, वो भी मेरे साथ होते हैं। तीन हम मैनेजर साथ होते हैं मेरी टीम में, ठीक है जी? तो उनका भी मैं चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस शेयर हो जाए। बाकी रिव्यूज अपने अपने इनको लाजमी दीजिएगा। 2 CC नहीं हुआ जल्द से जल्द करो। एंड इंस्टाग्राम पे लाजमी मुझे फॉलो कीजिएगा, वहां पे आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलने वाली है। एंड अरसलान सर एंड इमरान सर, आप दोनों आ जाओ। इमरान सर आप आ जाओ, पहले इमरान सर आते हैं। रिसेंटली इमरान सर है, इनका सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ है, ठीक है जी? एंड सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं सर इस टाइम पे। सो सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे थोड़ा सा, आप क्या एडवाइस क्या देना चाहते हैं, एडवाइस दे दो। चलो सो मैंने भी आपकी तरह एक टाइम में इसे स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, ठीक है? आज से तकरीबन लगभग 28 महीने पहले, ठीक है? सो मेरी भी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी, ठीक है? सर ने मुझे सिखाया और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? फाइनेंशियली फ्री हो आप? जी फाइनेंशियली जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, ठीक है? और मैं पर मंथ 6 से 7 लाख पर मंथ अर्न करता हूँ, ठीक है? सो ये फॉरएवर की दौलत है, ठीक है, जो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, ठीक है? सो तो ऑल द ये बेस्ट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच इमरान सर, ये बहुत अच्छे पर्सन है। आए रैंडमली थे बिजनेस में, बिल्कुल अननोन थे, बट राइट नाउ बहुत अच्छी मेरी इनके साथ फ्रेंडशिप हो गई है, मेरे साथ होते हैं, ठीक है जी? अरसान सर ऑलरेडी फ्रेंड थे बट ये अभी फ्रेंड बने। तो यार ये पर्सन ना फाइनेंशियली फ्री है, ठीक है जी? अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, हम लोग मिलके बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं लाहौर में हम रह के। तो नेक्स्ट मैं अपने फ्रेंड को एंड अपने सीनियर मैनेजर को बुलाता हूँ, वो भी आपके साथ एक्सपीरियंस एंड अपनी एडवाइस शेयर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना। जैसे ने माशाल्लाह से आज अपने टेस्टिमनी सबको बताई दी, दिखा भी दी है। यहाँ पे सोचने वाली बात कोई भी नहीं है। अगर मैं खुद बात तो एक बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करता हूँ, ठीक है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर के बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 लाख प्लस मेरी अर्निंग है। और थैंक यू सो मच इस इंसान की, जिस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। और आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो, जस्ट आपके पेरेंट्स हैं वो नहीं मान रहे, हमारे भी नहीं मान रहे थे, ठीक है? तो सिंपल सी बात है यार, लाइफ में अगर कुछ करना है ना, यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा अपने लिए। अनसर की लाइफ बहुत मुश्किल थी, मेरी लाइफ मुश्किल नहीं थी। इन्होंने ट्रक, कपड़े, होटल बहुत मुश्किल की है अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके। तो सिंपल, अगर आपने भी लाइफ में कुछ करना है ना, तो एक डिसीजन लेके अपनी फैमिली का बस एक दफा अगेंस्ट लाके देखो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं यार, क्या फैमिली से, अपने फादर पेरेंट्स से मौका मांगो भाई, सिर्फ मौका, यू विल सी।
आप रॉक करोगे। एंड आप हाफिज। लोग ना एक चीज नोट करो, मेरे मेरे साथ असलान सर, हम ना फ्रेंड्स के फेस पे ना स्माइल थी जैसे हम सेशन में आपके सामने, यार हम लोग इतने खुश हैं यार, हमारी इतनी अमेजिंग लाइफ है, इतनी अमेजिंग। सो मैं चाहता हूँ यार आप लोग भी अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजारो, अपने को अमेजिंग बनाओ, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, टाइम फ्रीडम चाहो। यार आप लोग मिल गए, हम बचपन में दोस्त हैं, बाद में हम लाइफ अगेन अन भी मिल के करें, लाइफ भी मिल के एंजॉय करें। फिर हैप्पी हैप्पी रहो, जल्द से जल्द 2 CC कंप्लीट करो। अभी भी नहीं करते तो पीछे रह जाओगे, आपकी इसमें मिस्टेक होगी और किसी की नहीं होगी। मैंने अपने फ्रेंड की एग्जांपल दे दी, कहोगे कहोगे तो मैं अपने फ्रेंड को यहाँ पे एक नेक्स्ट डे बिठाऊंगा एंड आपके सामने इसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वो आपको प्रॉपर बता भी सकता है कि यार वो कहाँ पे आज एंड हम कहाँ पे। सो बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।